Hello everyone, my name is Ila and welcome back to Her Fab Way. सो गाइज, ये गाइड टू ब्राइड का सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि पार्लर बुक करते टाइम हर ब्राइड को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हर ब्राइड को किस तरह से अपने सारे सामान की पैकिंग करनी चाहिए ताकि शादी के बाद कुछ दिन तक उसे कुछ भी ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। इस वीडियो के तीन पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में हम बात करेंगे कि वेडिंग डे पर ब्राइड को अपने पर्स में किन चीज़ों को ज़रूर रखना चाहिए, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले फाइनल टचअप के लिए आप अपनी लिपस्टिक जरूर कैरी करिए और फिर आप अपने पास जरूर स्पेयर बिंदीज रखिए, क्योंकि मेकअप की वजह से कभी कभी बिंदीज का जो ग्लू होता है वो खराब हो जाता है और इससे उनके गिरने के चांसेस होते हैं। आपको थोड़े से हेयर पिंस और सेफ्टी पिंस जरूर अपने पर्स में कैरी करने चाहिए। बहुत जगह पर ऐसा होता है कि जब तक फेरे नहीं हो जाते तब तक ब्राइड को कुछ भी खाना अलाउड नहीं होता, इसलिए मैंने देखा कि कुछ ब्राइड्स को इस चक्कर में हेडेक हो जाता है या गैस हो जाती है, इसलिए आप अपने पर्स में ज़रूर ये मेडिसिंस रखिए। शादी के बाद जब आप ससुराल जाते हैं तो वहाँ भी छोटी छोटी सेरेमनीज होती हैं, और ऐसा मौका ज़रूर आ सकता है जब आपको भी अपने से किसी छोटे को शगुन देना हो, तो इसलिए आपके पास भी एक या दो शगुन के लिफाफे ज़रूर होने चाहिए। और लास्ट में ऑफकोर्स आपके पास अपना हैंकी और अपना फ़ोन ज़रूर होना चाहिए। और अब हम इस क्लच में सारा सामान रख लेंगे। और हमारे क्लच में इजीली ये सारा सामान आ गया है। तो हमने देखी वो चीजें जो वेडिंग डे पर हर ब्राइड के पर्स में जरूर होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे सेकंड पैकिंग की, जो आपको पहले से करके रखनी है उस टाइम के लिए जब आप वेडिंग के बाद तुरंत अपने ससुराल पहुंचते हैं। उस वक्त आपने हैवी लहंगा, हैवी ज्वेलरी, हैवी मेकअप ये सब पहना होता है और आपको कुछ चीजें हैं जो उसी वक्त जरूर चाहिएंगी। तो सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए वो है एक मेकअप रिमूवर, और मैंने अपनी इस वीडियो में कहा था कि सबसे इफेक्टिव मेकअप रिमूवर इज ऑलिव ऑयल, इसलिए आप वो मेकअप रिमूवर और थोड़ी सी कॉटन जरूर रखिए अपने साथ। अगर आप कोई स्पेसिफिक फेस वॉश और फेस क्रीम यूज करते हैं तो वो भी जरूर अपने साथ उसी पैकिंग में रखिए। सेकेंड चीज जो आपको चाहिए वो है एक हेयर ब्रश, क्योंकि उस वक्त आपके बालों में इतनी पिंस और पता नहीं क्या क्या लगा होता है, उन सबको आप धीरे धीरे करके निकालेंगे, इसलिए अपने बालों को अनटैंगल करने के लिए आपको एक हेयर ब्रश की जरूरत जरूर पड़ेगी। उसके बाद आपको चेंज करने के लिए एक कंफर्टेबल ड्रेस की जरूरत जरूर होगी, क्योंकि अगर आप शुरू से कैलकुलेट करें तो हर ब्राइड करीबन 12 घंटे अपना लहंगा जरूर पहनती है, इसलिए टू लूजन अप आपको एक अपना कंफर्टेबल ड्रेस जरूर चाहिए। और अब आपको अपने साथ जो रखना है वो है एक कंफर्टेबल फुटवेयर, क्योंकि जब आप शादी के बाद घर आए हैं, आपने लहंगा पहना हुआ है, आपने हील्स पहनी हुई हैं और वो आपको एक्चुअल में पूरा दिन में काफ़ी थका चुकी होंगी, इसलिए अपनी कंफर्टेबल ड्रेस के साथ आपको एक रिलैक्सिंग फुटवेयर ज़रूर चाहिएगा। सो गाइज, ये थी वो सारी चीज़ें जो कि आपको तुरंत चाहिएंगी जब आप शादी के बाद अपने ससुराल आते हो। आई सजेस्ट कि आप इसकी पैकिंग अलग से ही करके रखिए पहले से, ताकि जब आप इतनी हैवी ज्वेलरी और मेकअप के साथ आएँ तो आपको कुछ भी ढूंढना ना पड़े। इसकी सेपरेट पैकिंग बनी हुई हो जिसको आप आराम से यूज़ कर सकें और कम्फर्टेबल हो जाए। सो गाइज, अब हम बात करेंगे थर्ड पैकिंग के बारे में, जो कि आपको करके रखनी है फॉर दी फर्स्ट 5 डेज। जनरली लोग पैकिंग करते हैं कि उनके एक सूटकेस में सारा ड्रेसेस रखी होती हैं, दूसरी जगह सारा मेकअप और ज्वेलरी और पर्सनल केयर का सामान होता है, और तीसरी जगह फुटवेयर वगैरह ये सब रखा होता है। लेकिन प्लीज़ आप ऐसे पैकिंग बिल्कुल मत करिए। बहुत जगह ऐसे होता है कि शादी के बाद भी कुछ कुछ छोटा छोटा सेरेमनीज चलती रहती है, और सोचिए अगर आपको रेडी होना है तो आप कैसे एक सूटकेस में से पहले अपनी ड्रेस निकालेंगी, दूसरी जगह आपकी ज्वेलरी रखी है, कहीं और आपका मेकअप रखा है, तो आप कैसे तैयार होएंगी? आपको बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए आई सजेस्ट कि आप पहले से ही अपना एक सूटकेस तैयार करके रखें जिसमें आपका सारा सामान हो फॉर फर्स्ट 5 डेज़।
इसमें आपको कितना इजी हो जाएगा कि सपोज करिए आपको तैयार होना है तो आपका एक ही सूटकेस में सारा सामान है, आप उसको खोलिए, उसके अंदर आपकी कंप्लीट ड्रेस होगी अलोंग विद योर इनर वेयर, देन आपका पर्सनल केयर का सामान, आपका मेकअप और आपकी ज्वेलरी, सारा सामान आपको एक ही जगह मिल जाएगा, इसलिए आपको बिल्कुल भी किसी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं होगी और आप बहुत कंफर्टेबली तैयार हो जाएंगे। सो गाइज, ये थी कुछ टिप्स आपका सामान अच्छे से पैक करवाने के लिए। एंड आई ऑल्सो से कि अगर आप शादी के तुरंत बाद ही घूमने जा रहे हैं तो बेटर कि आप पहले से ही उसकी पैकिंग अलग से करके रखें ताकि शादी के बाद आपको ज़्यादा चीज़ें शफल करने की ज़रूरत ना पड़े। सो गाइज, एंड में कहना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ अपनी पैकिंग अच्छे से करिए, जितना प्लान करके आप अपनी पैकिंग करेंगे उतना ही ईजी हो जाएगा आपके लिए उसे अनपैक करना और अपना सामान ढूंढना, क्योंकि ट्रस्ट मी शादी के बाद किसी को भी 3-4 दिन तक तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है कि वो अपना सामान अनपैक कर पाए या उसको अपनी अलमारी में लगा सके, इसलिए इट्स बेटर कि आप अपना सामान अच्छे से पैक करें ताकि आपको वो ईजिली मिल जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर इसको लाइक करिए और ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। स्टे ट्यून्ड एंड सी यू सून एट हर फैब पे। बाय।